नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार पीईटी 2022 के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें आज हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड अम्बेसडर के बारे में। जो भी इम्पॉर्टेंट ब्रांड अम्बेसडर 2021-22 के बनेंगे, उनको हम आज के इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस पीईटी के लिए गई हैं, उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये सारी जो पीडीएफ आपके सामने लिखी गई हैं, आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मात्र जो है कुछ प्राइस पे करके, तो आप इसे लेना चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? तो आप याद देखिएगा, फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में सान्या मल्होत्रा हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, सान्या मल्होत्रा। इसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाहरुख खान वर्तमान में जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में रवि शास्त्री हैं, पूर्व भारतीय टीम के कोच जो हैं रवि शास्त्री जी, ये फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में हैं। इसके बाद PokerBaazi.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहिद कपूर, इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आप याद देखिएगा। शाहिद कपूर जो है PokerBaazi.com के ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद मोबाइल फ़ोन कंपनी Realme के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो KL राहुल हैं, क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर KL राहुल जो हैं ये Realme के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुण एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? तब याद देखिएगा, ड्रोन स्टार्टअप कंपनी जो गरुण एयरोस्पेस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये आप याद कर लीजिएगा। MS धोनी जो हैं ये ड्रोन स्टार्टअप गरुण एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा फ्रेंच लग्जरी ब्रांड जो लुई वुइटन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। दीपिका पादुकोण जो है फ्रेंच लग्जरी जो ब्रांड है कपड़ों का, लुई वुइटन इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रॉबिन उथप्पा, आप याद देखिएगा, रॉबिन उथप्पा जो है ये कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके बारे में आप याद देखिए। अगला इंपॉर्टेंट है आयुष्मान खुराना के बारे में, आप याद देखिएगा, ये क्वाइन डी सी एक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आयुष्मान खुराना जो है क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा आप याद देखिएगा यहाँ पे एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? तो मनिका बत्रा हैं, मनिका बत्रा जो हैं एडिडास की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में हैं ऋषभ पंत, इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत जो है वर्तमान में आपके उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा ऋषभ पंत जो हैं डिश टीवी इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जो MediBuddy है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता आपके अमिताभ बच्चन साहब हैं, तो आप याद देखिएगा। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम MediBuddy है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभिनेत्री विद्या बालन, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, अभिनेत्री विद्या बालन जो हैं एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर है। माई 11 सर्कल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर आपकी वंदना कटारिया हैं। और देश के मेंटर्स और कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर आपके सोनू सूद साहब हैं, तो आप याद देखिएगा अभिनेता जो सोनू सूद हैं, इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिनेता सोनू सूद जो है देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी जो है होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा जो गरुण एरोस्पेस था ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे। बैंक का बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शेफाली वर्मा है, और महिला क्रिकेटर हैं भारत की शेफाली वर्मा, ये बैंक का बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह जो है वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर आपको मिलेंगे मनोज तिवारी,
इसके बाद खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेत्री कंगना रनौत। तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो ODOP है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कंगना रनौत हैं जो कि एक्ट्रेस हैं। इसके बाद नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और क्वाइन स्विच कुबेर, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह, अभिनेता रणवीर सिंह जो हैं इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्वाइन स्विच कुबेर और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाटा और एब्रेन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाटा बाटा की भी और एम्ब्रेन की, इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर हैं दिशा पटानी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, दिशा पटानी जो है बाटा की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और एम्ब्रेन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पंकज त्रिपाठी हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। इसके अलावा गुड डॉट हो गया, यह एक मीट की कंपनी है गुड डॉट, और इसके अलावा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा जो है टाटा AIA और गुड डॉट इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। और आमिर खान यहाँ पे वर्तमान में फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान, तो आप याद रख सकते हैं इनके बारे में। इसके बाद असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में हैं लवलीना बोरगोहेन, तो आपको याद रखना है। चलिए बताइए कि 2000 इस वर्ष का जो ओलंपिक खेल हुआ है इसमें जो है लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लखेरा, इन्होंने ओलंपिक जो पैरालंपिक खेल हुए थे इसमें इन्होंने मेडल जीता था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा मेडल जो है, और जो पैरालंपिक हुए थे 2022 वाले इनमें अवनी लखेरा ने कौन सा मेडल जीता था। इनको जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान PR सजेस, ये हमारे भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं हॉकी प्लेयर हैं PR सजेस, इनको जो है केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद अमिताभ बच्चन वर्तमान में MWay इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा अमिताभ बच्चन जो है MWay इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन किसके थे, तो मैंने आपको बताया था अमिताभ बच्चन वर्तमान में कहाँ गए, हाँ यहाँ पे मेडी बडी, जो मेडी बडी है ना ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन थे और वर्तमान में MWay इंडिया के भी जो है ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। इसके बाद राजकुमार राव दो कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं कैसीफाई की, ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कैसीफाई के, पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे राजकुमार राव, और वर्तमान में सिस्का के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं राजकुमार राव। इसके बाद मीराबाई चानू ये जो हैं ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके बारे में आप सबको याद रखना है मीराबाई चानू जो हैं ये ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद नीरज चोपड़ा को हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI के द्वारा जो चलाया गया था यह जागरूकता अभियान बैंकिंग धोखाधड़ी के ऊपर, तो इस जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे और जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में ये बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान जो RBI के द्वारा चलाया गया इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा टाटा AIA के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके अलावा मीट कंपनी गुड डॉट के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तीन चीज़ों के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली इनके बारे में, तो टाटा AIA हो गया। इसके अलावा एक मीट कंपनी आप याद देखिएगा, मीट कंपनी है जिसका नाम है गुड डॉट, और यहाँ पे RBI के द्वारा जो चलाया गया है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो भाला फेंक दिवस है कब मनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो है
किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मना रही है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो 2021-22 के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपके PET की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। 10 नंबर इसके माध्यम से आप आसानी से पा सकते हैं, तो टॉपिक वाइज सीरीज़ को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक अगला टॉपिक हम जल्दी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।